हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो ड्रॉप हो। और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक कनाडा मूवी के सॉन्ग को जिसका नाम है लव स्टोरी 360 और सॉन्ग का नाम है जगवे नेनू और इसको गाया है सिद्ध श्रीराम ने जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। कहीं ना कहीं उनकी वॉइस इतनी सूदिंग है और आपके दिल में उतर जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस सॉन्ग के लिए क्योंकि यार सिद्ध श्रीराम की आवाज़ कौन नहीं सुनना चाहता। और यार मूवी का क्या है, ये लव 360 कोई डिग्री है या फिर 360 क्या है, क्योंकि 360 डेज तो नहीं होते साल में, 365 होते हैं। तो लव 360 एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। तो चलो पहले सॉन्ग देख लेते फिर देख करते चर्चा कि सॉन्ग कैसा है। ओके मरुभूमि सब टाइटल तो नहीं है। कंडाओ चिलु में बचपन का प्यार कनसुगला राशि अनु कंदाओ चलु गए मोण उंटी जीवता कूगिगे तंगाली तंदवो गिरा दिया है ओ पैर भी निनगे नो नानु नीडले जगवे नीनु गेळतिये नन्ना जीवदा ओडतिये उसिरे नीनु गेळतिये बीट भी बड़ी सूदिंग है। नन्नु नडेसो साथिये जगवे नीनु गेळतिये ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಬರೀ ಬರೀ ಜನಕ್ಕೆ ತೋ ಯೇ ಏಕ್ ಸಾಥಿ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಬಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಸಾಥ್ ಮೇ ಬಚ್ಚಿ ಕೋ ನಹೀ ಬತಾ ಮರ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಚಾಚು ಕೈ नहीं नहीं हाथ पे ओ मार वहां पड़ रही फीलिंग वहां हो रही है। ओके मेंटल केयर ओहो इवड़ स्वल्प नेनपिन शक्ति कड़मे अस्टे प्रीतियिंद नोडिकोंड्रे सूपर म्यूजिक यार ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊತ್ತು ತರುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ ನಾನನಸು ಮಾಡುವೆ ಯಾರಿರಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವೆ ನೋವೆ ಬರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವೆ ನಡೆಯುವೆ ಜೊತೆ ನೆರಳಂತೆ ओके बड़े हो गए नेरवागी बंदवो दैववे निनगे नानु नीडले जगवे नीनु गेळतिये नन्ना जीवदा ओडतिये। ओके अभी भी एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। उसिरे नीनु गेळतिये ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋ ಸಾಥಿಯೇ ಕ್ಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಹೈ ಯಾರ್ ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ ಉಸಿರೆ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋ ಸಾಥಿಯೇ ಜಗವೇ ಗೆಳತಿಯೇ ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿ
क्या सीन था क्या सॉन्ग था यार, इतनी सूदिंग वॉइस, इतना अच्छा म्यूजिक, आपका दिन बना देगा ये सॉन्ग, सही में मेरा तो बना दिया है। और बहुत ही हार्ट टचिंग सा सॉन्ग था, और कहीं ना कहीं इसके अंदर की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा आपको फील होगी, क्योंकि लव स्टोरी तो है, लेकिन बचपन से बड़े होने तक और साथ में खेलने से एक दूसरे के साथ होने तक की एक जर्नी सी इसमें दिखाई गई। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से मूवी में यही स्टोरी होगी, लेकिन एक सॉन्ग के अंदर उसको इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, उसके ऊपर इतना बेहतरीन सा म्यूजिक, सिद्ध श्रीराम की आवाज़, और आवाज़ में तो क्या जादू है यार, उनकी आवाज़ में एक अलग लेवल का जादू है। हाई नोट्स हो या लो नोट्स हो, वो एकदम सूदिंग सी आवाज़ को इतनी अच्छी तरीके से कैरी करते हैं दोनों ही नोट्स में कि आपके दिल में उतर जाती है आवाज़। सही में यार, मतलब सिद्ध श्रीराम की आवाज़ एक अलग लेवल पे है। और एक और चीज़ है कि भाई ये हर लैंग्वेज में गा लेते हैं गाना, मतलब इनको मैंने जैसे ये कन्नड़ा सॉन्ग है, तमिल सॉन्ग देखा है, तेलुगु सॉन्ग देखा है इनको गाते हुए, मराठी सॉन्ग देखा है मैंने इनको गाते हुए। तो यार एक तो ये खुद इतने ब्रिलियंटली ब्रिलियंट सिंगर है कि भाई ये इतने सारे लैंग्वेज में गा लेते हैं, और उतनी ही अच्छी आवाज़ में, हर एक लैंग्वेज में इनकी आवाज़ उतनी ही सूदिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी वोकैबुलरी भी इतनी अच्छी है कि भाई हर एक वर्ड को, क्योंकि इतने डिफरेंट लैंग्वेज में इतने वर्ड्स होते हैं कि वो हर वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हैं, और वो तो ऑब्वियसली उनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है, उनकी वोकल्स इतने अच्छे हैं कि भाई वो उतना सूदिंग सा इफेक्ट हर लैंग्वेज में दे देते हैं। तो सही में यार, उनकी आवाज़ हो और कमाल ना करे सॉन्ग कैसे हो सकता है। और म्यूज़िक यार, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा मुझे, खासकर जो बीच में एक जगह आई थी जहाँ पे बांसुरी भी बज रही थी, वॉयलिन भी बज रहा था, और उसका एक इतना अच्छा मिक्सर उन्होंने बनाया था, और किस तरीके से वो कैरी कर रहे थे, नीचे से ऊपर ले जा रहे थे, वो बहुत ही ब्रिलियंट कंपोजिशन भी बहुत ही ब्रिलियंट लगा मुझे इसका। और जैसे मैंने कहा कि इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि भाई बचपन से आप किसी को, किसी के साथ हो, किसी को चाह रहे हो, तो बड़े होने तक आप वो उसको कैरी करते हो, तो यार वो एक फीलिंग अलग होती है। तो बहुत कम लोग वो फीलिंग समझ पाते हैं, लेकिन वो फीलिंग एक अलग फीलिंग होती है कि भाई आप बचपन से किसी को जानते हो और बड़े होने तक वो आपके साथ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी है, और ये मेरे ख्याल से इस मूवी में भी दिखाया गया है। तो ये लव 360 क्या है ये आप मुझे बता सकते हो गाइस, क्योंकि 365 डेज होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि 365 डेज एक साल में होते हैं, और 360 डिग्री एंगल होता है, तो यहाँ पे डिग्री तो नहीं दिखा, सिर्फ 360 लिखा हुआ है। तो किस रेफरेंस में है ये आप मुझे बता सकते हो गाइस, और मुझे तो बहुत पसंद आया सॉन्ग, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।